पीएन जंक्शन डायोड कब फॉरवर्ड बायस में होता है और कब रिवर्स बायस में होता है, ये कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है और अक्सर हम लोग कंफ्यूज आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से सबसे आसान तरीके से आप हमेशा याद रखेंगे कि कब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है और कब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है। देखिए यहां पर डायग्राम बना हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो डंडा होता है हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी फॉरवर्ड बायसिंग की बात आए तो हमेशा याद रखना ट्रू कनेक्शन मतलब सीधा कनेक्शन, सीधा कनेक्शन मतलब सीधा सीधा जोड़ दो भाई, पी को है बैटरी का प्लस दीजिए और जो एन है वो बैटरी का माइनस दे दीजिए, तो बेसिकली ये जो कनेक्शन हो गया ये आपका फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया। और रिवर्स बायस में ठीक उल्टा कर दीजिए, फॉल्स कनेक्शन उल्टा कनेक्शन, यानी जो पी है उसे बैटरी का माइनस दीजिए और जो दूसरा एन है उसे बैटरी का प्लस दे दीजिए, दिस इज गोइंग टू बी इन द रिवर्स बायस मोड। तो हर बार आपको क्या याद रखना है, फॉरवर्ड बायस मतलब ट्रू कनेक्शन सीधा जोड़ो और फॉल्स कनेक्शन मतलब रिवर्स बायस उल्टा जोड़ दो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे और भी अमेजिंग फिजिक्स ट्रिक्स के वीडियोस के लिए हमें शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।